नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित। आप देख रहे हैं हमारे चैनल टेक मास्टर ग्रोथ। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरह से अपने YouTube वीडियोज के अंदर में विदाउट कॉपीराइट फ्री म्यूजिक डाल सकते हैं। दोस्तों, YouTube पे कॉपीराइट का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। दोस्तों, कॉपीराइट आने से क्या होता है कि आपके चैनल के ऊपर स्ट्राइक आने के चांस होता है। दोस्तों, इसलिए आज की इस वीडियो हम जानेंगे किस तरह से अपने YouTube वीडियोज के अंदर में विदाउट कॉपीराइट फ्री म्यूजिक डाल सकते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह का कोई भी एक वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो कृपया से लाइक करें और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं और जानते हैं कि किस तरह से अपने YouTube वीडियोज़ के अंदर में विदाउट कॉपीराइट फ्री म्यूजिक काफ़ी बेस्ट तरीके से डाल सकते हैं। दोस्तों, YouTube वीडियोज़ के अंदर में विदाउट कॉपीराइट फ्री म्यूजिक लगाने के लिए आपको बहुत ही दो बेस्ट तरीका बताने वाला हूँ, जिसके माध्यम से आसानी से अपने वीडियोज़ के अंदर में विदाउट कॉपीराइट फ्री म्यूजिक लगा सकते हैं। दोस्तों, पहला तरीका आपको बता दूँ, अब सबसे पहले अपना गूगल पर ही बता देता हूँ आपको। गूगल पे जाकर यहाँ पे सर्च बार में इंटर करेंगे हम YouTube ऑडियो लाइब्रेरी। अब दोस्तों, सिंपली इसे सर्च कर लेंगे। सर्च होने के बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, फर्स्ट में ही आपको मिलेगा यहाँ पे YouTube म्यूजिक लाइब्रेरी। अब सिंपली दोस्तों हम इस पर क्लिक करेंगे और दोस्तों इसे सर्च कर लेंगे। और दोस्तों, ये सर्च होने के बाद जैसे आपको दिखा दूँ, यहाँ पर आपको लिखा हुआ मिलेगा ऑडियो लाइब्रेरी फ्री म्यूजिक और नेक्स्ट मिलेगा साउंड इफेक्ट। तो दोस्तों, आपको फर्स्ट बता देता हूँ फ्री म्यूजिक। दोस्तों, फ्री म्यूजिक में क्या है आपके, आप देख सकते हैं यहाँ पे फर्स्ट लिखा हुआ मिलेगा। इसमें भी आप देख के आसानी से समझ सकते हैं कि किस पे आप किस चीज़ के ऊपर म्यूजिक लेना चाहते हैं। क्लासिक म्यूजिक, अल्टरनेटिव, जो भी आप रखना चाहें आप रख करके यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। अब दोस्तों, यहाँ पर सेकेंड है मूड। अब मूड में भी आप एंग्री का अगर म्यूजिक लेना चाहते हैं, ब्राइट, क्लैम, डार्क, ड्रामेटिक, फंकी, हैप्पी, इंस्पिरेशन, रोमांटिक, सैड, जैसा आप म्यूजिक लेना चाहें वैसा यहाँ पे ले सकते हैं। अब दोस्तों, तीसरा यहाँ पे है इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट में किस टाइप के लेना चाहते हैं यहाँ पे भी ये भी सिलेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, फोर्थ है क्या चीज़, यहाँ पे ड्यूरेशन। दोस्तों, यहाँ पे टाइमिंग, आप किस टाइमिंग का लेना चाहते हैं, किस टाइमिंग का डाउनलोड करना चाहते हैं यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, फिफ्थ यहाँ पर है और मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ पर है एट्रीब्यूशन। दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दो जानकारी के लिए कि यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना होगा कि एट्रीब्यूशन नॉट रिक्वायर्ड। दोस्तों, इस पर क्या होता है कि आपको कॉपीराइट आने का खतरा बिल्कुल नहीं होता और इसे ही हमेशा सेलेक्ट करना चाहिए। तो दोस्तों, सिंपली हम इस पर क्लिक करेंगे और इसी को ही रखेंगे। और दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं लास्ट में आपको मिलेगा यहाँ पर एरो का निशान, जिसको यहाँ पर टच करके आप जिस म्यूजिक को चाहें तो डाउनलोड करना चाहें उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो सिंपली दोस्तों, हम फर्स्ट म्यूजिक को ही आपको बता देता हूँ, इस पे हम फर्स्ट म्यूजिक को हम डाउनलोड करना चाहते हैं। तो फर्स्ट में इसे एरो पे हम क्लिक करेंगे। अब दोस्तों, ये देख सकते हैं यहाँ पे ये जो म्यूजिक है डाउनलोड हो रहा है, ये डाउनलोड हो जाएगा हमारे, यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है। सिंपली हम ओपन कर लेंगे, आपको दिखा दूँ यहाँ पे ये म्यूजिक यहाँ पर डाउनलोड होकर यहाँ पर ओपन हो रहा है, चल रहा है यहाँ पर। अब सिंपली दोस्तों, इसे हम बैक करते हैं। आप बैक करके चलते हैं यहाँ पर साउंड इफेक्ट पर, इसके विषय में हम जान लेते हैं। दोस्तों, साउंड इफेक्ट में भी आप जैसा साउंड इफेक्ट लगाना चाहते हैं उस तरह का साउंड इफेक्ट लेकर के आप अपना इस म्यूजिक को डाउनलोड कर सकते हैं, अपने वीडियो में लगा सकते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट तरीका बताता हूं आपको, इसके लिए हम बैक पे चलते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट और बेहतरीन आपको तरीका बता दूँ, सबसे पहले हम चले हैं गूगल क्रोम ब्राउज़र पर। दोस्तों, यहाँ पर सर्च बार में इंटर करेंगे youtube.com और यहाँ पर हम सर्च होने देंगे। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर जाएंगे थ्री डॉट ऊपर में देख सकते हैं राइट साइड में बना हुआ है। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर नीचे देख सकते हैं डेस्कटॉप साइट लिखा हुआ है, इसको हम टिक लगा देंगे। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर राइट साइड में देख सकते हैं हमारे चैनल का लोगो बना मिलेगा। अब सिंपली इसे बड़ा करके मैं आपको दिखा देता हूँ, राइट साइड में सबसे ऊपर में हमारे चैनल का, चाहे आपके भी चैनल का आपको मोबाइल पर मिलेगा। अब सिंपली हम इस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद जाएंगे यूट्यूब स्टूडियो में। उसके बाद दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ पे लेफ्ट साइड में ऊपर में देख सकते हैं थ्री लाइन यहाँ पे आपको दिखेगा, जैसे मैं आपको बड़ा करके दिखा देता हूँ, ऊपर में भी मिलेगा आपको थ्री लाइन। इस पर सिंपली हम क्लिक करेंगे और दोस्तों यहाँ पे दिखा दूँ, यहाँ पे आपको मिलेगा ऑडियो लाइब्रेरी। सिंपली हम इस पर क्लिक करेंगे और दोस्तों, जैसे कि गूगल पर हमें मिला था ऑडियो लाइब्रेरी, उस तरह से यहाँ पर भी आपको मिलेगा और सेम वैसा ही आपको यहाँ पर दिखेगा। दोस्तों, आपको बता दूं जानकारी के लिए कि ये YouTube आपको प्रोवाइड करता है और यहाँ से भी आप चाहें तो म्यूजिक डाउनलोड करके अपने वीडियो के अंदर में लगा सकते हैं।
दोस्तों सिंपली जैसे जिस तरह से बताया था कि गूगल में उस तरह से करना है, उस तरह से यहाँ पे भी एट्रीब्यूशन में भी बस आपको उतना ही करना है कि जैसे कि एट्रीब्यूशन नोट रिक्वायर को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, और यहाँ से हम चाहें तो आसानी से म्यूजिक डाउनलोड करके अपने वीडियो के अंदर में लगा सकते हैं। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा।